उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 12 से ज्यादा की मौत। बचाव और राहत कार्य में लगी एसएआरएफ। सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख, मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। बिहार के नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिरा, मलबे में दबने से दो लोगों की मौत। श्रद्धा मर्डर केस का सच आएगा सामने, आफताब का 5 दिन के अंदर नाको टेस्ट कराने के आदेश। साकेत कोर्ट ने थर्ड डिग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाई। आफताब के फ्लैट पर गुरुवार को रिक्रिएशन के लिए पहुंची थी दिल्ली पुलिस, 5 पुलिस वाले आफताब को ले जाते नजर आए। श्रद्धा के पिता विकास वालकर का दावा, बेटी को बहुत मारता था आफताब, हर हाल में आफताब को होनी चाहिए फांसी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की टेक्निकल जांच तेज, आफताब श्रद्धा के चैट्स रिट्रीव करने में जुटी पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड पर बोले असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, ताकतवर सरकार नहीं होगी तो हर शहर में आफताब होंगे। 23 और 24 नवंबर को गुजरात में प्रचार करेंगे पीएम मोदी, मेहसाणा वडोदरा पालनपुर में करेंगे रैली। गुजरात के अंकलेश्वर में जेपी नड्डा का अटैक, कहा 70 साल तक कांग्रेस ने भाई भाई को लड़ाया, जातियों का झगड़ा बनाए रखा। गुजरात चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त प्रचार, सूरत में बोले जेपी नड्डा, आदिवासियों के लिए केंद्र और गुजरात सरकार ने बहुत काम किया। मोरबी से कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह पार्टी राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकती। चौरासी की जनसभा में बोले सीएम योगी, इंग्लैंड ने 200 सालों तक भारत पर राज किया, उसी इंग्लैंड को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल को बताया बबूल का पेड़, कहा कांटे ही मिलेंगे। बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने वीरमगाम को बताया अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि, कहा भले 10 साल से कांग्रेस जीती, इस बार लोग हमें स्वीकार करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बुलडोजर की एंट्री, बीजेपी नेताओं ने जेसीबी पर चढ़कर किया प्रचार। गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, प्री रिकॉर्डेड नारे के लिए रोबोट में लगे हैं स्पीकर। गुजरात के लिए चुनावी सॉन्ग रिलीज, बीजेपी सांसद रवि किशन ने गुजराती भोजपुरी का रैप सॉन्ग तैयार किया। सावरकर पर दिए बयान के बाद सियासी बवाल, सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले राहुल की विचारधारा देश और हिंदू विरोधी। अनुराग ठाकुर ने कहा वो कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, अब वीर सावरकर पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का चैलेंज, जिस जेल में सावरकर 10 साल रहे राहुल 10 दिन रहकर दिखाएं। वीर सावरकर के समर्थन में उतरे पोते रणजीत सावरकर, कहा उन्होंने खुद को छोड़कर बाकी कैदियों को रिहा करने को लेकर लिखी थी अर्जी। राहुल गांधी के समर्थन में आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कहा जो इतिहास में लिखा वही उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, जेल जाने से पहले क्रांतिकारी थे सावरकर, जेल जाकर माफी मांगने लगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने शेगांव में गजानन महाराज मंदिर में टेका मत्था, बप्पा का लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य जनता की आवाज को सुनना, कहा बीजेपी नफरत फैला रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी राहुल के साथ हाथ में हाथ डाले आए नजर। सावरकर को लेकर तुषार गांधी ने राहुल के सुर में सुर मिलाए, कहा जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से मांगी थी माफी। संजय राउत ने बीजेपी से पूछा सवाल, सरकार होने के बाद भी सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एनसीआर दर्ज, वीर सावरकर पर बयान से जनता की भावनाएं भड़काने का आरोप। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से होगा शुरू, विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। करलह विधानसभा के दिहुली में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के लिए मांगे वोट, कहा यह चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अध्यक्ष पद चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना, 5 दिसंबर को होगा चुनाव। फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव, बेटे उमर अब्दुल्ला ने दी जानकारी। हैदराबाद में बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी के घर पर टीआरएस समर्थकों ने की तोड़फोड़, लाठी डंडों से किया हमला। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी का बयान, कहा कि कविता के कहने पर टीआरएस के गुंडों ने घर में की तोड़फोड़। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी से मिले जी किशन रेड्डी, कहा केसीआर की गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं है बीजेपी। बीजेपी के स्टिंग को आप नेता मुकेश गोयल ने बताया फर्जी, कहा एमसीडी में भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए वीडियो। आप नेता मुकेश गोयल बोले किसी भी एजेंसी से जांच को हूं तैयार, बीजेपी नेताओं पर करूंगा मानहानि का केस। आपके खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर, केजरीवाल सिसोदिया की तस्वीर के साथ लिखा आपका लूट केस, इस पार्टी में सब काला है। बेंगलुरु में वोटरों का डाटा चोरी करने का मामला, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की मांग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना, कहा लोग अब बीजेपी को पहचान गए इसलिए 2019 में उखाड़ फेंका। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद खत्म होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी का बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला, कहा कुछ देश आतंकवाद के समर्थक, टेरर फंडिंग पर लगाम जरूरी। नो मनी फॉर टेरर का लक्ष्य पाने के लिए वन माइंड वन अप्रोच पर करना होगा काम, होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आतंकवादियों का सपोर्ट सिस्टम पूरी दुनिया के लिए खतरा, ज्वाइंट ऑपरेशनल सिस्टम पर फोकस जरूरी। एनआईए के डीजी ने सरकार की टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तारीफ की, कहा इससे सिक्योरिटी सिनेरियो में आया बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, इस दौरान सीजेआई की पत्नी भी रही मौजूद। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 नवंबर को पीएम मोदी रोजगार मेले में बांटेंगे नियुक्ति पत्र, केंद्र सरकार के भर्ती अभियान का दूसरा चरण। गृहमंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के गृहमंत्री से मुलाकात की, सीमा प्रबंधन सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर हुई बातचीत। बांग्लादेश के सामने अमित शाह ने हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया, कहा ऐसे मामलों पर होनी चाहिए कार्रवाई। निरक्षरता, गरीबी और बेरोजगारी पर बड़ा कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा 2014 से पहले 100 स्टार्टअप थे, अब इनकी संख्या 70,000 को कर गई पार।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, भारत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था की महाशक्ति बना। केंद्र सरकार का किसानों को भरोसा, रबी सीजन में नहीं आएगी दिक्कत, किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध। केरल हाईकोर्ट के आदेश पर बोले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चुनाव जीतने का मतलब यह नहीं हमारे पास शासक का कानून हो। ब्रिटेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सीट के लिए समर्थन किया। यूएन में भारत की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को दो टूक, कहा झूठ फैलाने की कोशिश सफल रही होगी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। यूएन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसिलर प्रतीक माथुर का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा सहानुभूति पाने के लिए पाक झूठ फैला रहा है। भारत दौरे पर सीरिया के विदेश मंत्री फैजल मेकदाद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सीरियाई समकक्ष से दिल्ली में की मुलाकात, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर हुई बात। भारत ने अंतरिक्ष में रचा नया इतिहास, पहली बार एक प्राइवेट स्पेस कंपनी के रॉकेट विक्रम की सफल लॉन्चिंग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भारत के स्पेस इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए बड़ा कदम। प्राइवेट रॉकेट की सफल लॉन्चिंग पर गृहमंत्री ने दी बधाई, कहा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई ऊंचाई हासिल की। इजरायली दूतावास में भारत और इजरायल के सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ड्रिल, टेरर अटैक से निपटने के कौशल पर फोकस। भारत ने जीता लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। भारत में यूनिसेफ की रिप्रेजेंटेटिव का बयान, भारत सरकार के साथ मिलकर बच्चों के अधिकार के लिए कर रहे हैं काम। एमवीए महागठबंधन को शिंदे सरकार का एक और झटका, टूरिज्म विभाग को दिए गए करोड़ों के प्रोजेक्ट को किया सस्पेंड। पंजाब कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को दी मंजूरी, आधिकारिक अधिसूचना होगी जारी। विदेश मंत्रालय में काम करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, पाकिस्तान को से गोपनीय जानकारी शेयर करने का आरोप। दिल्ली एलजी का बड़ा एक्शन, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को हटाया, पद के दुरुपयोग पर कार्रवाई। एलजी के आदेश पर डीडीसीडी का दफ्तर भी सील, जैस्मीन शाह पर अपने ऑफिस का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल का फैसला, ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ, याचिकाओं की सुनवाई से खुद को किया अलग। सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई मशीन मिलने का मामला। लखनऊ में निधि मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद आरोपी सुफियान गिरफ्तार। बरेली में टीटीई ने चलती ट्रेन से आर्मी जवान को दिया धक्का, गंभीर रूप से घायल जवान हॉस्पिटल में भर्ती, टीटीई फरार। मथुरा के थाना राय क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली बैग में एक युवती का मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार की राजधानी पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लोगों ने दो अपराधियों की जमकर पिटाई की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर में शारदा घाट पर चल रहे कामों का निरीक्षण किया, शारदा नदी की पूजा अर्चना भी की। चंडीगढ़ में फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की 83वीं मीटिंग, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लिया हिस्सा। पंजाब में गन कल्चर पर सरकार सख्त, डीजीपी गौरव यादव ने सभी आर्म्स हाउस के तिमाही जांच के दिए आदेश। उदयपुर के जंगल में लड़का लड़की का शव मिला, पुलिस को हत्या का शक, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामला, पुलिस ने आरोपियों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया पेश। मुंबई के वर्ली में समंदर में डूबने से दो बच्चों की मौत, तीन बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। हैदराबाद के कॉलेज की लैब में केमिकल गैस लीक, 25 स्टूडेंट्स बीमार, सभी खतरे से बाहर। मेघालय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 ड्रग्स तस्कर के साथ 14 करोड़ की हेरोइन जब्त की। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ का एक्शन, 70 लाख की कसैली जब्त। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टीचर की हत्या का मामला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने दो संदिग्ध के यहां मारा छापा। यूक्रेन के खेरसॉन में स्वास्थ्य सेवाओं और खाने पीने की चीजों की भारी कमी, लोगों को हो रही है खासी मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में जियो ने शुरू की अपनी ट्रू 5G इंटरनेट सेवा, हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों पर मिलेगी सुविधा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 6 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 81.70 रुपए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 88 और निफ्टी 37 अंक लुढ़का। न्यूजीलैंड दौरे पर गए युवा खिलाड़ियों को कप्तान हार्दिक पांड्या का संदेश, सभी के पास खुद को साबित करने का मौका। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रिदम ने किया कमाल, पुरुषों के 92 किलोग्राम से अधिक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। एशियाई टेबल टेनिस की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी मनिका बत्रा, चीनी ताइपे की खिलाड़ी को हराया। एशियाई एगन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन, कुल 25 गोल्ड मेडल जीते। विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा का पोस्टर आया सामने, 16 दिसंबर को ओटीटी पर होगी फिल्म रिलीज। मर्डर मिस्ट्री फिल्म मारिज का ट्रेलर आउट, फिल्म 9 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक का ऐलान, पंकज त्रिपाठी निभाएंगे पूर्व पीएम का किरदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।